ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 165। सो 165 दे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपॉइंटमेंट हुई है। डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू सीनियर वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के जेडे कि चंडीगढ़ के बछिंदे ने जिन्हों के वड्डी जिम्मेवारी दी गई है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। सो एडवोकेट जनरल यानी कि वह वकील जिस तो हर एक चीज़ पुछ के वो फाइल की जाएगी कि इस केस नू किवें डिफेंड करना है, इस नू चैलेंज किवें करना है। नीतिका महेश्वरी जी पंजाब दे ब्यूरो चीफ इस खबर ते तफसील नाल समझाउण दी कोशिश करनगे। नीतिका होर की ताजा जानकारी। देखो सब तो पहले तो किशन मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद जिस तरह पिछले 5 साल दे विच एजी लगाउण नू लेके लगातार विवाद खड़े हुए, पहले अतुल नंदा नू क्योंकि एजी लगाए गए जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो कहा जाता सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ज्यादा करीबी ने करने की उन्होंने ये अहुदा दिता गया। उस तो बाद देखो एपीएस दियोल नू लगाया गया जो चन्नी मुख्यमंत्री बने से वह भी काफी ज्यादा विवादा दे विच रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने कई सवाल जिहड़े खड़े किए, पर जे अनमोल रतन सिद्धू की गल की जाए इन्हों पहली बार एड्डी वड्डी जिम्मेदारी नहीं मिली है, बल्कि इस तो पहला भी जो गल की जाए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट रह चुके हैं, पंजाब हरियाणा बार कौंसल के चेयरमैन रह चुके हैं, इतों तक कि असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नाल ही ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि पंजाब से हरियाणा की भी गल की जाए तो पंजाब के डीएजी रह चुके हैं, हरियाणा के एएजी रह चुके हैं। तो कह सकते हैं कि पहले ही उन्होंने को जिम्मेदारियां रही ने, हो सकता है कि यही कारण है कि उन्होंने विश्वास जोड़ा है जताया गया आम आदमी पार्टी वालों से उन्होंने एजी जोड़ा है वह बनाया गया है। ਸਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल नीतिका एक वड्डी नियुक्ति इस नूं मन्निया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तुसीं जानकारी साडे तक पहुंचाई।